बिजली नजदीक हम पहुँचेंगे। हाँ। जो मन होगा सो आप करना, हम भी आपको कहेंगे। हाँ। आप काहे के नेता बने हमरा? हाँ। बिहार का हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। हाँ। क्या काम करते हैं? सही बात, किसी चीज के लिए जाते हैं ऑफिस तो कर्मचारी उधर उधर उसका बाप का है ऑफिस। हाँ। आप क्या उन्हें उसको कार्रवाई करते हैं? गद्दी में बैठ करके क्या करते हैं? हुकूमत किस चीज का हुकूमत? धोरैया ऑफिस में हम लोग का किसी का बात नहीं सुनवाई कर रहा है। कौन सा ऑफिसर आप रखे हैं वहाँ? कौन सा कष्ट करता है? एक महीना से पानी हम लोग को नहीं मिला है। आप क्या कोशिश करते हैं, क्या पूर्ति लेते हैं? गद्दी पर बैठ गए, वोट दो वोट दो वोट दो, क्या वोट दो? कौन सा वोट देंगे? नेता देख रहा है आपको, उसको बोलिए जितना बोलना है। नेता देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, चल लाइव देख रहा है, बोलिए जो जो बोलना है उसको। हमको पानी चाहिए आज, आज पानी चाहिए। हाँ। और क्या बोलेंगे? नहीं तो फिर आप समझिएगा। बिल्कुल, हाँ चचा देखिए बातें बताएं, बहुत सारी चीज यार जो है ना, क्या कहते हैं वार्ड, ये सब साला चुतिया दोगला है, पेट भरने के लिए यार बाल हुआ है। हाँ। क्या कहता है नहीं कहता है? नहीं आया भाई, चला गया। क्या चला गया? सरकार आपका आपका हाथ में पावर नहीं है? मुखिया जी के घर में कोना कोना में टोटी लगा हुआ होगा, टोटी लगा, जिला परिषद के भी लगा होगा। हाँ, सब 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 विधायक जी का तो हर जगह वोट लीजिएगा जनता का। हाँ। और विकास कीजिएगा वार्ड का, मुखिया का, समिति का। हाँ। जनता मरे साले सब जाके जन वही मुखिया और समिति और वार्ड वोट देगा आपको। राज करिएगा खूब, आ रहा है 25 का इलेक्शन आ रहा है। मसा कूट देंगे हथौड़ा लेकर के। बिल्कुल, तब ये देखिए अब परेशानी थी, बाकी ये लोगों का दर्द था। तस्वीरें सीधे बांका जिला के धोरैया प्रखंड के एक पंचायत है महिला बिशनपुर का, ये रनगांव, और यहाँ पर पूरा एक वार्ड लगभग 200 घरों की आबादी के लोग एक एक बूंद पानी को तरसते हुए, महिलाएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं, काम करने वाले परेशान हैं, क्योंकि पानी एक अभी ऐसी ज़रूरत है जो कि आपको हर हाल में आपके घर में कम से कम पर डे 500 लीटर पानी का खपत होता है। अब सोचिए ये लोग जब पानी नहीं आएगा तो किसी दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं, अपने बाल्टी को इस तरीके से रखते हैं और दूसरे लोगों की मर्जी होगी, कुछ दिन देंगे, एक दिन देंगे, दो दिन देंगे, क्योंकि सरकार ने हर घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया है। बिजली का बिल तो आप समझ ही सकते हैं, वो भी तो ताबड़तोड़ है, तो लोगों को उससे भी दिक्कत होती है। हाँ की चाची जान लगे की कतो ना कतो, बहुत अति सोची के जान लगे तो पैसा लगा रिचार्ज हटा के रखे मीडिया में, सटा ले जाता है रैया उन मीडिया हमारे लोग बिजली बिल लगे जाए लगे जाओ के सरकार सब जीता जीता है सबका बुरा। क्या चाचा आपका भी कोई परेशानी ये पानी के लिए? आपकी गांव की औरतें महिलाएं बूढ़े बुजुर्ग सब परेशान हैं। हम लोग को पानी की एक महीना से जो हम लोगों के पास पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। भूदेव चौधरी को जब फोन करते हैं तो भूदेव चौधरी फोन नहीं उठाता है, जो कि विधायक है, वर्तमान विधायक। मुखिया को फोन करते उठाता नहीं है, डीएम को फोन करते उठाता नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले को करते हाँ उसको करते उठाता नहीं है। अगर वीडियो को बोला जाता है तो वीडियो कहता है रोन नंबर है, वो जई को बोला जाता है कहता हम क्या कर सकते हैं। जब कोई कुछ नहीं कर सकते हैं तो आइंदा चल करके हाथ जोड़ करके सिर्फ आप वोट लेने के लिए यहाँ आते हैं भाई? बिल्कुल है। अच्छा नीतीश कुमार को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब आपको जो वोट देते हैं हम लोग किस लिए देते हैं? हम लोग चुन करके आपको जो भेजते हैं दिल्ली बैठाने के लिए क्यों भेजते हैं? आपसे कुछ हमको मदद मांगने के लिए। आपको अगर हम नहीं कहेंगे तो आखिर किसको कहेंगे? अगर आपको कहते आप भी ठुकरा देते, उसको कहते वो ठुकरा देते, डीएम को कहते, डीएम कहता है कि हम क्या करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाता, तो आखिर डीएम इतना सफाई क्यों देता है? बिल्कुल सही है। अगर ऑफिस आप चले जाइए धोरैया, वीडियो साहब है नहीं है, कर्मचारी है नहीं है। अरे जब वीडियो साहब नहीं है, कर्मचारी नहीं है, कोई नहीं है, तो आखिर ऑफिस किस लिए है? इसको तोड़फोड़ घटा दीजिए, सही है, क्या इसको रखते हैं? इसको रहना जायज नहीं है। और इस तरीके से जो कर रहा है ये लोगों ने कि इतना इतना पब्लिक जो है, कोई आदमी जुमा नसीब नहीं हो पा रहा है, किसी का नमाज नसीब नहीं हो पा रहा है, तो आदमी क्या करेगा पानी के लिए बताइए? डीएम साहब अच्छा हम जब आप लोगों का खर्च आता है 25,000 रुपया, बिल्कुल मेंटेनेंस, तो 25,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए आप जब आपके पास आइए रहा है तो हम लोग गांव वाले से चंदा क्यों मांग रहे हैं?
पाइप खींचिए 600 रुपया दीजिए और कुछ कीजिए तो पैसा जमा कीजिए। तो जब आपको सरकार मेंटेनेंस कर रहा है तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी का बहुत प्रॉब्लम है, एक महीने से बहुत दिक्कत है। पानी नहीं आ रहा, किसी तरह से कोई देता है, बिजली लगा दिया है, वो मीटर जो है ना अथी वाला रिचार्ज वाला, तो वो भी बेचारा कैसे देगा, थोड़ा थोड़ा देता है, किसी तरह से मजबूरी है। और जानते हैं गांव की कहानी जब बताते हैं लोग, जब गांव का जिक्र करते हैं लोग, तो गांव का मतलब होता है सुकून। लेकिन इस गांव में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस गांव से सुकून कोसों दूर है। सुकून आपको तभी गांव में मिलेगा जब घर में आप अपने अच्छे से रह पाएंगे। अच्छे से रहने के लिए आपको खाने की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है, आपको और भी ढेरों ज़रूरतें हैं, लेकिन उस सारी ज़रूरतों में सबसे खास ज़रूरत पानी। आपको खाने के लिए पानी चाहिए, आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, मतलब कि हर एक आपके डेली यूजेज में जो है रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सारे लोग जो है पानी के एक एक बूंद को तरसते हुए, आप देखिए कितनी तादाद में दिखाइए इधर, यहां पर पानी को स्टॉक करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए ये लोग अपने अपने बाल्टी लेकर एक दरवाजे पर आकर रुक गए हैं। ये तस्वीर है बिहार के बांका जिले के धुरैया प्रखंड का एक गांव है रन गांव, महिला बिशनपुर पंचायत का रन गांव। और यहां पर लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वार्ड नंबर 8 के लोग। पानी की समस्या कब से है और क्यों क्यों है, पानी की समस्या क्यों है बताइएगा कोई, क्या हुआ है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? सरकार का नल जल का जो पाइप हर घर तक पहुंच गया है, फिर भी पानी की समस्या क्यों है? समरसेबुल खराब है, सही नहीं करवा रहा है। समरसेबल गिर गया, सरकारी पानी टंकी है। पानी टंकी बिल्कुल खराब। कितने दिनों से खराब? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। किसी को जानकारी दिए आप? सबको जानकारी आई, एक दिन आया था एक एसपी लेके। इधर आइए, किसको किसको जानकारी दिए, किसको किसको बोले? जय जय को दिए, मिस्त्री को दिए, जो यहाँ पहुँचता है उसको दिए, जिला परिषद को दिया, जिला परिषद को भी दिया, कंप्लेन कॉल ही नहीं उठा रहा वो। हाँ। विधायक को भी कॉल करा, वो भी कॉल नहीं उठा रहा, कोई रिसीव ही नहीं करता, 6-7 बार कॉल कर दिया उसको। मुखिया जी लोग को, मुखिया जी को भी कॉल किया, वो भी कहीं कॉल नहीं उठा रहा है। इधर आइए चाचा, इधर आइए, किसको किसको कॉल किया चाचा? SDGM को कॉल किया, वो रिसीव नहीं किया। विधायक जी को किए 10 मरतबा कम से कम, वो भी रिसीव नहीं किया। जिला परिषद को किए, वो भी नहीं रिसीव किया। अब यहाँ वीडियो का नंबर मेरे पास था, उसको लगाते तो कहता है रॉन्ग नंबर है, तो हम लोग मजबूर हो गए, अब क्या करेंगे। एक महीना से ऐसे ही, कौन यहाँ पर क्यों बाल्टी ला के जमा किए? हमारे पास समरसेबुल है छोटा सा, क्या करेंगे, समाज का सब आदमी है, पानी में मर जाएगा। आपके दरवाजे पे सब लोग आए हुए हैं, आप लोग जो है पानी जब लाइट आता है तो देते हैं। आपका इसमें भी बिल जाता होगा? बिल जाता है, क्या करेंगे हम, कष्ट सब मदद कर रहे हैं। जी हाँ, समाज का सेवा। वार्ड नंबर 8 में जैसे 100 घर है, इस टंकी से पानी जा रहा है, तो इसमें शुरुआती ही 25 घर में पानी जा रहा है। कम से कम 200 घर होगा। हाँ। और ये हकीकत बात बोल रहा है कि 25 घर में पानी पहले से जाता था और बाकी घर में जा भी नहीं करता था। और टंकी भंग गया, ठारे ने एक तो टंकी फट गया, टंकी में पानी रहता है, डायरेक्ट पानी जमा होगा तब ना आएगा। बिल्कुल, पानी में टंकी फटा हुआ है, कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है, कहते कहते थक गए। वहाँ जाते हैं तो बोला इतना जल्दी नहीं होगा, जहाँ जाना जाइए, और हम 4 दिन से नहीं नहाए हुए। नहीं नहाए। आप इधर वार्ड सर, आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, वार्ड है, छोटे मोटे नेता भी हुए, उप मुखिया भी हुए, तो आप लोग कुछ करते नहीं हैं? देखिए पहले यहाँ पे तार जल गया था, तो हम लोग ये समाज नौजवान लोग 10-20 रुपये करके तार नया उसमें लगाए। पहले तो हमारे पास आया, हम फोन किए तो आज जाएंगे कल जाएंगे, इंतजार करते करते पानी की शिद्दत कब बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये नौजवानों ने 10-20 रुपये करके तार अपना खरीद कर लाया, तो जब स्टार्ट किया तो मोटर जाम था। उसके बाद फिर मिस्त्री को हमने फोन किए तो बोला कल जाएंगे, परसों जाएंगे, परसों वो आया समरसेबुल, वो निकाला, निकालने 2-3 पाइप खींचा और समरसेबुल गिर गया, तो वो लोग चला गया। 2 दिन हम छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया। 2 दिन हम प्राइवेट मिस्त्री लाके उसको प्रयास किए, हम लोग सभी मिलके प्रयास किए, तो नहीं हुआ। फिर एक मिस्त्री गांव में यहाँ प्लांट लाके रखा था, उसको बोला के लाए, धपरा का था, उसको 5,000 में बात हुआ, वो समरसेबुल निकाला। फिर मिस्त्री को फोन किए, मिस्त्री ले गया समरसेबुल। समरसेबुल ले जाने के बाद रोज आज कल रोज कर रहा है, और हम आज 20 दिन से
धोरैया का चक्कर हम भूखे लेकिन कोई सुनता नहीं, लेकिन कोई सुनता नहीं। महिलाएं लोग हैं, रुक जाइए थोड़ी, महिलाओं से सबसे ज्यादा दिक्कत पानी का इसी लोग को होता है। पकार काम चाची तोरे, कपड़ा धोर काम तोरे, बच्चा के नहार काम तोरे, केना करे चाची ऐसे की करबे तबा हमरा नहीं को बहर तक मिले छे तो की करबे पानी नहीं दे रहल छे। नहाला छे चाची, नहाला छे का दिन उस नहीं नहाला 8 दिन उस नहाला छे ऐसा रही छे गर्मी में केना रही जा की करबे तबा मुसीबत छे पानी नहीं दे छे ऐसा रही रहल छे पानी आप पीनो जाखली पिए छे ककरो हे पीनो जे बेरो ऐसा रहल छे सरकारो कथि ल है वोट जे दै छे कथि ल दै छे सब कुछ में जिता रहल छे सब कुछ करे छे हमरा नहीं कोई सुविधा नहीं दै छे वोट दै छे लेकिन वोट दै छे सब दिन टाइम में नेताजी आता तो हाथ जोड़े ल हां तखनी तो खौब आबे छे बहिन जे चाची जी सब कुछ लेकिन देख चलो जे कचे दही बढ़िया नेताजी ताते हमरा नहीं सुकून मिलते लेकिन कहां को सुकून मिलते हमरा नेता कहि की पैसा देख वोट दै छे उसने यार पास पैसा के कौन ले ले छे ना ले ले छे डिब्बा बिल्कुल सही सवाल है। सीधे तस्वीर मैंने दिखाई रनगांव से, जो धुरैया प्रखंड का एक गांव है। आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से अपने अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। अपनी अपनी बारी आने के बाद ये लोग पानी भरेंगी और फिर यहाँ से पानी एक एक बाल्टी पीने के लिए जो जरूरत की पानी है वो यहाँ से वो लोग ले जाएंगी। तस्वीरें बिल्कुल मर्माहत करने वाली हैं। गांव ग्राम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परेशानी अभी आपको हमें हर जगह देखने को मिलेगी। जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों चाहे वो प्रतिनिधि हों, वो सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक्शन में आने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है।